हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एमडीएम अस्पताल में फिर भिड़े रेजिडेंट डॉक्टर और परिजन। परिजनों ने लगाया इलाज में चिकित्सक की अब लापरवाही का आरोप। डॉक्टरों ने दी हड़ताल पर जाने की चेतावनी। जोधपुर में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध मथुरा दास माथुर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेजिडेंट डॉक्टर व मरीज के परिजनों के बीच बुधवार देर रात झगड़ा हो गया। बताया गया है कि इस झगड़े में अस्पताल के एक वार्ड कर्मचारी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। बाद में घटना से गुस्साए रेजिडेंट डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर बंद करवा दिया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है। परिजनों ने डॉक्टर पर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया है। इधर गुरुवार अलसुबह रेजिडेंट चिकित्सक से भी पूछताछ की गई। इधर रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल मरीज के उपचार में देरी का आरोप लगाते हुए और न्यूरो के विशेषज्ञ को बुलाने की बात को लेकर मरीज के परिजनों ने एतराज जताया। आरोप है कि घायल के साथ जो लोग आए थे उन्होंने रेजिडेंट को धमकी दी कि तुम्हें जान से मार दूंगा। इसको लेकर आपस में हाथापाई की नौबत आ गई। इधर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र भाकर ने बताया कि बुधवार रात करीब 2:15 बजे एक घायल के साथ कुछ लोग आए थे। घायल को सिर की चोट लगी थी। लोग मांग कर रहे थे कि न्यूरो के विशेषज्ञ को जल्दी बुलाया जाए। ड्यूटी पर मौजूद सीएमओ ने न्यूरो विशेषज्ञों को कॉल कर दिया था लेकिन उनके आने में देरी हो रही थी, इसलिए घायल के साथ जो लोग आए थे उन्होंने दबाव बनाया कि पहले जल्दी से जल्दी घायल का इलाज शुरू करें। इस बात को लेकर उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद रेजिडेंट डॉक्टर को धमकाना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति ने खुद को आर्मी का बड़ा अफसर बताते हुए कहा कि यदि इस घायल को कुछ हो गया तो वो सभी को जान से मार देगा। इसके बाद ट्रॉमा सेंटर में माहौल गर्मा गया। इसके बाद कर्मचारी भी इस कथित आर्मी के अफसर से उलझने लगे। माहौल हाथापाई तक पहुंच गया। धक्का मुक्की से अस्पताल के वार्ड कर्मचारी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद सेंटर में रेजिडेंट डॉक्टर एकत्र हो गए। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर का काम बंद करवा दिया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दीपक सिंह पुत्र रण सिंह को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।